तो लीडर, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत खास होने जा रहा है, जो कि हमेशा की तरह होता है। हर एक जो सेशन होता है वो खास होता है, क्योंकि तो हमें नहीं पता कि किस सेशन से हमें कौन कौन सी जो चीजें हैं, कुछ जो नई चीजें हैं हमें नहीं पता कौन सी चीजें हमें सीखने के लिए मिल जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों, हमें सेशंस को, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना चाहिए, सभी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना चाहिए, तो मे बी कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने के लिए मिल भी सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें हेल्थ के रिलेटेड क्या कुछ जो जानकारी है वो यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन की जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं, और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है हमें यहाँ पे। So welcome to Kiva Kaipo Industries, ladies and gentlemen, and this is Dharinder Singh from Kiva Industries, head office Ludhiana, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो Kiva Sugar Control Juice, बल्कि एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हम यहाँ पे डायबिटीज के ऊपर जो प्रोडक्ट है हमारे, उनके ऊपर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कीवा के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज में हमें बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, ताकि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा आसानी से कर सकें। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कीवा शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, यानी कि जूस के फॉर्म में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है कि जो डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो जो जूस है, राइट, तो डायबिटीज बेसिकली क्या होती है, राइट, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब आपका जो ब्लड ग्लूकोज होता है, राइट, जैसे कि हम ब्लड शुगर बोलते हैं, वो ज्यादा रहना शुरू हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज क्या करता है कि मेनली ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमें मिलता होता है, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। इंसुलिन, अब इसमें एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास में होता है, जो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता होता है, जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज की, जो हमारे खाने में ग्लूकोज होता है, ताकि वो सेल्स में जाके और वहां पे जो एनर्जी होती है उसको यूज करने का काम करता है। राइट, देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। सिंपल सी चीज लीडर्स की, जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है, उसके बीमार होने के पीछे क्या कारण होते हैं? पहली चीज कि अगर हमारा जो डाइट है वो अच्छा नहीं है, दूसरी चीज अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। कोई भी पर्सन कोई भी बीमारी अगर लगती है तो ये दो मेन रीजन होते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेनक्रियाज होता है, राइट, पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स मौजूद होते हैं, अब जो खाना उन बीटा सेल्स को चाहिए, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स उन बीटा सेल्स को चाहिए, अगर वो हमारी डाइट में शामिल नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा, वो भूखे रहेंगे। राइट, वो ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट में आ जाएगा कि अब हमें डायबिटीज हो चुका है। ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसके पीछे का मेन रीजन यही होता है, या तो हमारी डाइट ठीक नहीं है, या हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये देखिए ये एक मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है जो बेसिक होता है, चार चीजें होती हैं, ए डी एम ई, राइट, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। एक एक चीज को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चीज होती है एब्जॉर्प्शन। अब हमने कुछ भी खाना खाया या हमने कुछ भी दवाई ली, मेडिसिन ली, राइट, तो मेडिसिन हम लेते हैं जैसे कि मुंह के जरिए लेते हैं हम, या इंजेक्शन लेते हैं, या क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, तो इस तरीके से जो मेडिसिन वगैरह है वो हम लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज जाती है वो इस तरीके से जाती है। तो अब जब भी हमने कोई खाना खाया यानी कि अब्सॉर्ब किया उसको, राइट, तो अब्सॉर्ब होने के बाद वो क्या होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। राइट, मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन ली है,
जो कि आपने आपके जैसे घुटने वगैरह दर्द कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल घुटने दर्द कर ले, हमने घुटने के लिए एक मेडिसिन ली है, तो मेडिसिन हमने लिया राइट मुंह से, हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिसिन लिया तो जब वो हमारे पेट में जाएगा उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राइट पेट में, जैसे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है, स्मॉल इंटेस्टीन से फिर हमारे वो बाइल डक्ट के अंदर जाता है, इस तरीके से आगे जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो खाना होता है या जो मेडिसिन होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके, अब ये तो है नहीं कि वो एक ही जगह पे जाएगा या टांगों में जाएगा या हाथों में जाएगा या हार्ट में जाएगा या ब्रेन में जाएगा, नहीं वो पूरी बॉडी में जाएगा। जो भी हम खाना खा रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी सिर्फ घुटने में जा रही है या सिर्फ बाजू में जा रही है, नहीं वो पूरी बॉडी में जा रहा है। इसी तरीके से हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरी बॉडी में होता है राइट। लेकिन जो तीसरी चीज होती है मेटाबॉलिज्म, अब जिस चीज के लिए हम इसको ले रहे हैं, अब मान लीजिए हमने घुटने के लिए लिया था जो मेडिसिन था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है वो पूरे बॉडी में हो रही है, लेकिन उसका जो काम है वो कहाँ पे है, वो घुटने में है। तो जो भी उसका प्रॉब्लम है, जिस चीज के लिए हमने उसको लिया है, यानी कि मेटाबॉलिज्म, वो यहाँ पे वहां पे उस काम पे जाके वो रिपेयर करना शुरू कर देगा राइट। जिस काम के लिए हमने उसको लिया था, खाना लिया है, खाना में जो प्रोटीन वाइटमिन मिनरल्स कैल्शियम कुछ भी होता है वो पूरी बॉडी में जाता है, तो जहां पे जिस चीज की कमी हो जाएगी वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा वहां पे। अब हमने खाना भी खा लिया है या मेडिसिन भी ले ली है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई है पूरी बॉडी के अंदर, अब उसने अपना काम भी कर लिया है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो चीज के लिए हमने उसको लिया था वो काम भी उसने कर दिया है। अब इसके बाद आता है एक्सक्रीशन, जो भी चीज हमने खाया है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, चाहे हम यूरिन पास करते हैं, चाहे स्टूल पास करते हैं, चाहे थ्रू सलाइवा जो थूक है, चाहे स्वेटिंग जो पसीना होता है, इसके जरिए जो चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं राइट। अब एक चीज को देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आपने ये जो मेडिसिन है वो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं खानी है। आपने देखा होगा कि कुछ जो दवाइयां होती हैं, कुछ जो गोलियां होती हैं, उनके पत्ते में किसी पत्ते में 6 गोलियां होती हैं, किसी में 10 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 2 होती हैं, सभी पत्तों में 10 गोलियां नहीं होती हैं, हम भी जानते हैं राइट। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए जब डॉक्टर हमें कई बार बोलता है कि आपने ये जो मेडिसिन है वो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं खानी है, मान लीजिए हमने घुटने के लिए मेडिसिन ली थी, अब घुटने को उस मेडिसिन की जरूरत थी इसलिए हम उसको ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो लिवर है किडनी है उसको जरूरत नहीं है, वो ठीक पड़े हैं वहां पे। लेकिन अगर हम ज्यादा हैवी मेडिसिन, ज्यादा स्टीरॉयड्स वगैरह लेते हैं, तो उससे लिवर और किडनी पे या और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, उनको जरूरत नहीं है लेकिन हम उनको दे रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में हो रहा है, तो इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं कि आपने ये जो मेडिसिन है ये ज्यादा समय तक नहीं लेनी है, 3-4 दिन लेके आप इसको बंद कर दीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों ये जो मेन रीजन होता है कि हमने ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी होती हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, फूड सप्लीमेंट, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, तो हमें ये क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस चीज को वहां पे कंप्लीट किया जा सके, और कंप्लीट करने के लिए फूड सप्लीमेंट सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। इससे पहले कि बीमारी हमें यहाँ पे आके अटैक करे, हमें बीमारी को भगाने के लिए जो डेफिशिएंसी होती है, जिस चीज की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, हमें उसको वहां पे ठीक कर लेना चाहिए राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, अब टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो आपको दिया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है, जिसे कि अगर हम यहाँ पे अगर साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, यानी कि ये जैसे जो बच्चे होते हैं शुरुआती तौर में चाइल्डहुड में ही इसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती होती है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, यानी कि इसमें होता क्या है कि जो आपके बॉडी होती है वो आपके पेनक्रियास के ऊपर एक तरीके से जो अटैक है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो इंसुलिन को पैदा नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादातर लोगों में ये जो देखा गया है कि
कि ज्यादातर यानी कि 90% जो लोग हैं, सिंपल सी चीज है आजकल की डेट में, वे ये तो वैसे ज्यादातर देखा जाता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, यानी कि 40 से ऊपर की एज में इसको ज्यादा देखा जाता है। लेकिन अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है पिछले 20 सालों में कि जो 18, 19, 20 साल के जो बच्चे भी हैं उनको भी डायबिटीज की जो समस्या है, डायबिटीज टाइप 2 की जो समस्या है वो आनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक तो जो वजन है वो ज्यादा हो रहा है, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है टाइप 2 की, ये बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसमें क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज में कि आपका जो पेंक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन बना रहा होता है, बट कई बार क्या होता है कि उसके बाद वो इनफ जो जितना बॉडी को चाहिए होता है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो आपके जो सेल होते हैं वो रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर वैसे भी अगर ये बात करें तो जो फैट होता है, लीवर होता है और मसल सेल्स होता है, ये ज्यादातर उन जगहों पे इसको ज्यादा देखने के लिए देखा जाता है। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरा आता है उसको बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। तीन तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। दोस्तों ये जो डायबिटीज होता है ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में देखी जाती है, और ये डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज जो हो जाए तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर कंसिडर किया जाता है। और जैसे ही वो जो प्रेगनेंसी होती है डिलीवरी हो जाती है तो समटाइम जो डायबिटीज होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर से जो डायबिटीज होने का खतरा उस लेडी को वहां पे बन जाता है। तो इसलिए इसको जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर जो है इसको कंसिडर किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज, राइट। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि कौन कौन सी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो डायबिटीज के बारे में हमें जो देखने के लिए मिलती हैं, तो जैसे कि मतलब कि जो ओवर टाइम अगर बहुत ज्यादा करते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को वहां पे लीड करता है, जैसे कि आपका हार्ट के संबंधी जो समस्याएं हैं, स्ट्रोक हो गया, किडनी के संबंधी समस्याएं, आंखों के संबंधी समस्याएं, डेंटल जो हो गया, दांतों के संबंधी, नर्व्स जो होती हैं, जो नसें होती हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, फुट प्रॉब्लम, पैरों के संबंधी जो समस्याएं हैं ये आनी शुरू हो जाती होती हैं, राइट। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी चीज है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं अगर यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज में ऊपर नीचे कुछ भी होना शुरू हो जाता है तो समस्याएं हैं वो अपने आप आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। सबसे जैसे चीज अगर हम आंखों के बारे में बात करें, डायबिटिक रेटिनोपैथी, राइट, तो ये एक मतलब कि मेन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का। अगर आपको ब्लाइंडनेस ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो इसमें उसका मेन रूट कॉज होता है कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो जाती है। और समटाइम क्या होता है कि अगर लंबे समय के लिए ये डैमेज चलता रहे तो कुछ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रेटिना को, जो हमारे आंखों का जो रेटिना होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। माना जाता है कि 2.6% जो ग्लोबल ब्लाइंडनेस है वो किसकी वजह से होती है, वो डायबिटीज की वजह से होती है। और डेफिनेटली किडनी फेलियर में भी डायबिटीज जो है वो यहाँ पे रूट कॉज के तौर पे दिखाई देता है कि इसकी वजह से जो किडनी फेलियर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भी यहाँ पे होता है, राइट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कीवा शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और डेफिनेटली इसको हर एक घर में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार में कोई डायबिटीज का शिकार ना हो जाए तो आपको डेफिनेटली कीवा शुगर कंट्रोल जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटी डायबिटिक जिनमें प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो डायबिटिक को खत्म करने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आना चाहे तो उसको वहीं पर रोक देते हैं, राइट। इसमें बेसिकली नेचुरल हर्ब्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि जनरल स्ट्रेंथ जो हमारी बॉडी को वो प्रदान करता है, शुगर लेवल्स को वहां पे वो कंट्रोल करने का काम करता है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को वहां पे दूर करता है, और वूंड हीलिंग यानी कि अगर जख्म जो है वो भर नहीं रहे हैं तो उसमें ये जो हमारा शुगर कंट्रोल जूस है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है,
राइट। डायबिटिक क्योर दोस्तों इसके अंदर एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद है। बहुत ही रेयर ऐसे फ्रूट्स हैं या हर्ब्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं या ऐसे फल हैं कि जो इसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो बहुत अच्छा बना देता है, जो कि आपके डायबिटिक को कंट्रोल करता है और बैलेंस करने का भी उसको काम करता है। तो ये सिंपल सी चीज है, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो एलोवेरा हो गया, करेला, जामुन, गुड़मार, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। आइए उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन जो यहाँ पे जो ब्लैकबेरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, जिसको कि हम यहाँ पे जामुन भी बोलते हैं, तो उसका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और इसके जो रिजल्ट हैं वो वहां पे बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो जामुन का बेसिकली इसमें क्या है कि स्पेशली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें पुराने समय में यूनानी और आयुर्वेदिक जो सिस्टम है उन्होंने जामुन को बहुत ही अच्छा माना है कि अगर डायबिटीज के संबंधी कोई समस्या आ रही है तो आप इसमें जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। और साथ में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी कि पाचन संबंधी कोई समस्याएं हैं तो जामुन के पत्तों को, उसके छिलके को और उसके बीज को बहुत ही यूजफुल माना गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिन्होंने कि जामुन को एक हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट्स के तौर पे भी देखा है, जो कि 30% तक रिडक्शन कर देता है ब्लड शुगर का, राइट। क्योंकि बीजों के अंदर ऐसे अल्कोलॉइड्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर की हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट जो है वो उनके अंदर मौजूद होते हैं। और अब अगर हम इसके बाद आगे बात करें, इसके अलावा और क्या चीजें हैं हमारे पास, बिटर गॉर्ड जैसे कि हम करेला भी बोलते हैं, राइट। अब जो करेले का जूस होता है इसको बहुत ही शानदार बेवरेज माना गया है डायबिटीज के लिए, और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। और स्टडीज बताती हैं कि जो बिटर गॉर्ड है, करेला है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि चेरेंटिन हो गया, तो इसके अंदर ब्लड शुगर ग्लूकोज को वहां पे जो लोअरिंग इफेक्ट है उसको ये कम करने का वहां पे काम करता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसे इसके अंदर जो हमारा शुगर कंट्रोल जूस है उसके अंदर ये बहुत सारी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इंडियन गूसबेरी जिसे कि हम आंवला भी बोलते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एम्बलिका ऑफिशियलिस बोला जाता है, आंवला को इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है और डायबिटीज में ये बहुत ही शानदार रेमेडी है, इसको माना गया है, राइट। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर आंवला जो है एक इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी के तौर पे, यानी कि जो पेनक्रियाटाइटिस जो होता है, पेनक्रियास में जो सोजिश आनी शुरू हो जाती है, पेनक्रियाटाइटिस, राइट, तो उसमें इसको बहुत ही शानदार तरीके से इसके जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और डेफिनेटली जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बहुत सारे जो रिजल्ट है वो हमें देखने के लिए भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन गूसबेरी है यानी कि आंवला है, इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट है जो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिमनेमा सिल्वेस्टर, गुड़मार, शुगर ईटर जिसे बोला जाता है, डेफिनेटली बहुत समय से जिमनेमा सिल्वेस्टर को यहाँ पे एक शानदार प्रोडक्ट माना गया है स्पेशली डायबिटीज में, क्योंकि इसके अंदर ट्राई टर्पेनॉइड, सैपोनिन, फ्लेवोनॉल्स और गुड़मैरिन जो होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है। ट्राई टर्पेनॉइड, सैपोनिन जो होता है इसके अंदर जो एक टेस्ट ऑफ स्वीटनेस होता है, हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, उसके ऊपर जो टेस्ट ऑफ स्वीटनेस होता है उसको सप्रेस करने का इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंदर मौजूद होता है। जैसे कि शुगर हो गया, स्टीविया हो गया, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हो गए जैसे कि एस्पार्टेम हो गया, वो सभी इसकी चीज में आप इसको यहाँ पे जान सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं जो कि बताते हैं, जैसे कि एशियन नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च, वो बताते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स ऑफ जिमनेमिक एसिड 4 जो है वो एक यहाँ पे जो कंपाउंड रेड कर रहा है जिमनेमा सिल्वेस्टर के पत्तों का, जो भी कि डायबिटीज में जो बहुत ही मेजर रोल वहां पे प्ले कर रहे हैं। और इसमें अगर आप यहाँ पे बात करेंगे चाहे type 1 डायबिटीज हो, चाहे टू डायबिटीज हो, तो उसमें जो जिमनेमा है वो बहुत ही शानदार और मेजर रोल प्ले कर रहा है। और साथ में क्योंकि जिनको डायबिटीज होती है तो उनके जो मीठा खाने की जो इच्छा शक्ति होती है
यानी कि जो स्वीट क्रेविंग होती है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जिम्नेमा उनकी जो स्वीट क्रेविंग होती है उनको भी कम करने का काम करता है। राइट, टर्मिनेलिया चैबुला, अगर हम इसे बोले तो हरिताकी जैसे कि अगर बोले तो टर्मिनेलिया चैबुला जो होता है इसे बहुत अच्छी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदा में डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। राइट, अगर हम इसको पुराने जमाने से देखें तो इसको ऐसे बहुत सारी कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि अगर हार्ट के संबंधी समस्या है, अस्थमा है, अल्सर है या स्टमक एलमेंट यानी कि पेट के संबंधी अगर कोई भी समस्या है तो उसमें टर्मिनेलिया चैबुला को बहुत ही मेजर रोल इसका जो माना गया है, और स्पेशली स्किन के लिए भी, बॉडी की क्लींजिंग के लिए टर्मिनेलिया चैबुला बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें सबको यहाँ पे प्रदान करता है। इसके बाद बात करें तो टर्मिनेलिया बैलरिका यानी कि जिसे बहेड़ा बीबीताकी भी जिसको बोला जाता है, तो ये कॉमनली यूज किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। राइट, और ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन अगर हो रहा है तो उसमें जैसे कि बीबीताकी जो होता है इसमें क्योंकि इसमें गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड होता है, ये दो ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और बात करें एलोवेरा बाबेडेंसिस जो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट होते हैं एलोवेरा के अंदर, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक्स के पेशेंट में उनके ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो दोस्तों ये सभी जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं डेफिनेटली इनके बहुत अच्छे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि शुगर कंट्रोल जूस के हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल को ये नॉर्मलाइज करता है और कंट्रोल करने का काम करता है, डायबिटिक कंडीशन यानी कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है क्योंकि डायबिटीज अपने साथ में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी लेके आता है। तो ऐसी हर्ब्स इसमें इस्तेमाल की गई है जो कि आपके इंसुलिन की जो सेक्रेशन है उनको वो वहां पे स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो एक्टिवली काम कर सके, और ब्लड शुगर रिड्यूसिंग की प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर मौजूद है। 100% सेफ है और डेफिनेटली इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। राइट, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 15 से 30 ml खाना खाने से पहले दिन में 2 बार, जैसे कि अगर सुबह खाना खा रहे हैं तो सुबह खाना खाने से ब्रेकफास्ट से पहले 15 से 30 ml जो है आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर रात को डिनर कर रहे हैं तो डिनर करने से पहले भी आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी स्टमक खाली पेट आपको इसे इस्तेमाल करना है। राइट, और इसके साथ में अच्छी मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, और जैसे ही बॉटल को ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद कोशिश कीजिए कि इसको रेफ्रिजरेट में यानी कि फ्रिज के अंदर रखें इसको, और एक बार अगर आप बॉटल से जूस को निकाल लेते हैं तो दोबारा से जितना भी जूस निकल गया है जितना आपको चाहिए लेकिन जितना बच गया है उसको दोबारा से उसको उसके बीच में डालने की कोशिश ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि उतना ही निकालें जितना की आपको जरूरत है। राइट, और इसको कूल या ड्राई प्लेस में इसको यहाँ पे स्टोर करके रखिए, शेक वेल बिफोर यूज। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक बार जो प्रोडक्ट वो गाड़ी में रख लेते हैं तो उसको वो अपने साथ में लेके चलते हैं। अब जैसे गर्मियों का अगर मौसम है तो एक बार अगर आपने गाड़ी किसी जगह पे पार्क कर दी, चाहे 10 मिनट के लिए भी पार्क की है, तो उसके बाद आपको भी पता है कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाता है, कई बार 50 प्लस भी चला जाता है आधे पौने घंटे के लिए खड़ी करते, यानी कि हमारा खुद का गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब कोई पर्सन गाड़ी में बैठेगा तो उसके अंदर के जो प्रोडक्ट हमारे अंदर पड़े हुए हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, लेकिन हमने इसको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं, और कई बार फिर हम जब किसी को देते हैं तो बोलते हैं कि सर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि उसकी जो एफिकेसी है उसकी जो क्षमता है वो पहले ही हम उसको टेम्परेचर में नहीं रखा है हमने, उसमें जिसमें रखना चाहिए तो उसकी वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इन तरीके की जो चीजें हैं इनसे हमारा जो बचाव हो जाए। राइट, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कीवा एलोनोनी ड्रॉप्स, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, और आइए इसको भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि कीवा एलोनोनी ड्रॉप जो है वो किस तरीके से काम करता है। एलोवेरा, दोस्तों एलोवेरा जो है इसको हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए
6000 साल पहले से इसको जाना जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो 6000 साल पहले से जानते हैं कि जो एलोवेरा है इसकी अंदर कितनी अच्छी जो प्रॉपर्टीज है वो मौजूद है। जो इसकी जो जेल होती है वो इन्फ्लामेशन, जैसे कि जो सोजिश होती है या स्किन के संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, और वेट लॉस करने में, अगर वजन कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी इसका बहुत मेजर रोल प्ले होता है। राइट, प्लांट के अंदर, इस प्लांट के अंदर 75 ऐसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल, एंजाइम, सैपोरिन, सैलिसिलिक एंड अमीनो एसिड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है, और बहुत ही ऐसे एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे डाइजेशन को, यानी कि पाचन क्रिया को, स्किन को, हेयर को, बोन को, आइज को, इम्यून हेल्थ को, और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि हार्ट हो गया, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, पुअर डाइजेशन हो गया, तो उसमें एलोवेरा जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। राइट, अब नोनी जो है दोस्तों, जो नोनी है इसको यहाँ पे क्वीन ऑफ हेल्थ प्लांट्स के तौर पे इसको जाना जाता है, और 2000 साल पहले से इसको यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इवन दी इसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में अगर बन रहे हैं तो ये उसको भी वहां पे कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, पेन हो रहा है पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, डायबिटीज के रिलेटेड अगर समस्या आनी चाह रही है तो इसको भी वहां पे रिड्यूस करने का काम करता है, और अगर आप एंटी एजिंग फीचर लेना चाहते हैं यानी कि जवान बने रहना चाहते हैं तो उसमें भी जो नोनी है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। राइट, अब दोस्तों कीवा एलो नोनी ड्रॉप जो है इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो हवाइया नोनी फ्रूट्स यानी कि मोरिंडा सिट्रोफोलिया जो है और एलोवेरा दोनों का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। राइट, इसका जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मीन कंसंट्रेटेड डोज जो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 किलो पत्ते लिए या 1 किलो आपने यहाँ पे जो फ्रूट है वो लिया है, राइट, तो यहाँ पे अगर आप उसको लेते हैं तो उसका वो जो अर्क होता है मुश्किल से 5 या 10 ग्राम उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के सामने आता है, उसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, अर्क बोला जाता है, जो कि हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी उसकी जो वो सफिशियंट होता है अगर हम उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वो हम यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, और इसको नेचुरल और हेल्दी हर्ब्स के तौर पे इसको वहां से निकाला जाता है, और हमारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं वो इनका यहाँ पे प्रॉपर इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है यानी कि ऐसी बहुत सारी टेस्टिंग से ये निकल के जाता है ताकि एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो प्योरिटी है वो हम सभी को प्रदान कर सके। तो कीवा हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हाई क्वालिटी के साथ और प्योरिटी के साथ हमारे जितने भी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो उन तक इसको पहुंचाया जाए। राइट, इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर कौन कौन से मौजूद हैं, सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमने बात की हवाइया नोनी फ्रूट जो है यानी कि जिसको कि मोरिंडा सिट्रोफोलिया बोला जाता है और एलोवेरा, इन दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल जो ब्लेंड होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, बी, B2, B6, B12, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथैनिक एसिड, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड अदर मिनरल्स लाइक क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद है। तो आप खुद देखिए एक पूरा यहाँ पे जो भंडार है यहाँ पे विटामिन मिनरल्स का, वो हमें यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में हमें यहाँ पे मिल रही है। हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत सारे, लगभग अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी पे इसका बहुत अच्छा जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि अगर एसिडिटी और गैस की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसको ये दूर करने का काम करता है। सेल्फ डिफेंस एबिलिटी जो सेल्स की होती है ताकि वो डिफेंस जो सिस्टम है उसको बना सके, मेंटेन कर सके, जो बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस जो इफेक्ट पा रहा है तो उसको ये वहां पे रोकने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर मौजूद है,
बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि क्लींजिंग का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ये लेके आता है, इम्यूनिटी को यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ये यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। और अगर कैंसर के संबंधी समस्याएं अगर हमें लगता है कि आने वाली है, अब किसी को नहीं पता कि कैंसर किसको हो सकता है किसको नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ यहाँ पे होने जा रहा हो हमारी बॉडी के साथ तो उसके रिस्क से हमें ये बचाने का काम भी करता है। पेन इन्फ्लामेशन डेफिनेटली उसमें जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, दूर भगाता है उसको डाइजेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट के संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं तो उनको दूर करने का काम करता है। स्किन हो गया, हेयर हो गया, स्कैल्प हो गया, उनको ये मेंटेन करता है ताकि वो हेल्दी रहे। स्ट्रेस को रिलीव करता है, फटीग हो गया, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो गया, राइट, इंसोमनिया वगैरह की अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अलर्टनेस जो है उसको इम्प्रूव करता है, मेमोरी को शार्प बनाता है, कंसंट्रेशन यानी कि आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर काम कर सकें तो डेफिनेटली उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज वो इसके अंदर मौजूद है, यानी कि एक पूरा भंडार है कि जो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। विमेन के लिए जैसे अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है ताकि ऐसी समस्या ना आए, राइट। डायबिटीज में, एस्थमा में, विजन प्रॉब्लम, ग्लूकोमा जो हो गया, ऐसी जो चीजें हैं तो इनके ऊपर ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे जो बेनिफिट्स हैं एलोनोनिन ड्रॉप्स के हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 10 ड्रॉप 10 ड्रॉप की व एलोनोनिन ड्रॉप्स के दिन में 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग एम्प्टी स्टमक खाना खाने से आधे घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो सुबह लगभग 7:30 बजे आप इसको ले सकते हैं 10 ड्रॉप्स, और रात को अगर 8 बजे अगर आप डिनर करते हैं तो शाम को 7:30 बजे 10 ड्रॉप इसके आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कोशिश कीजिए 6 से 12 महीने तक इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए अगर आप एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट है इसका लेना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि किस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा जो डायबिटीज है इसको हम किस तरीके से यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसके बारे में हम किसी को भी आसानी से बता भी सकते हैं ताकि हम सभी को यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को आज का जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ भी चुका होगा और आप इसको किसी को भी आसानी से बता भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ऐसी बहुत सारी जो जानकारियां हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक हम लोग इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे, और आपका हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।